हे गाइस, दिस इज योगेश शर्मा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वैसे कोई इतना सस्पेंस वाली बात नहीं है भाई, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है मेरे को। कल हम लोग गए थे आईनेक्स के शोरूम पे जो कि बिठन मार्केट में है, और वहां पे हम लोग जो है एक लैपटॉप बुक करके आए थे मैकबुक का। तो आज हम बस उसी की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां से भी हमारे पास फोन आ चुका है कि भैया आपका ऑर्डर जो है वो यहाँ पे पहुंच गया है, आप लोग आ जाइए, इसको कलेक्ट कर लीजिए और जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह वो सब आप कंप्लीट कर लीजिए। तो बस वही है कि हम लोग अब निकल चुके हैं और हमें निकले हुए लगभग काफी टाइम हो चुका है। कई बार ट्रैफिक भी मिला हमें, बहुत कुछ मिला, और अभी जो हम BHEL एरिया में है अभी, और मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से पहुंचने में लगभग आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसे ट्रैफिक मिलता है, जो एक्साइटमेंट है हमारा वो कहाँ तक जाता है। भाई भोपाल की जो रोड है ना, यहाँ पर ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे कि कभी भी कहीं भी कोई भी प्रकट हो जाता है ना, बस ऐसा ही है यहाँ पे कि कब कहाँ कैसा ट्रैफिक मिल जाए ना, कुछ नहीं कह सकते। तो बस हम लोग भी निकल तो पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए और जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी फिलहाल तो यहाँ तो मुझे कोई ट्रैफिक ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले जरूर दिखा था मुझे अन्ना नगर के पास। मैं आया हूँ एक्चुअली पीछे वाले रोड से क्योंकि मुझे ट्रैफिक में घुसना ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो आपको पसंद नहीं है ना, वही चीज आपको फेस करना पड़ता है। तो क्या कर रहे हैं भाई, जाना है, लेकर आना है, तो जाना तो पड़ेगा भाई, ट्रैफिक को फेस तो करना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो चलिए आगे थोड़ा सा सफर हो रहे है, उस सफर का मजा आप भी लीजिए, हम भी लेते हैं और हम मजा कर ले। एक्चुअली हमारे साथ तो प्रॉब्लम यही है कि हमें जो है ना वो मजा नहीं आ रहा, वो सजा मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमें एक्साइटमेंट है, मतलब कब हम जाए, हमारा लैपटॉप है, उसकी अनबॉक्सिंग करें वगैरह वगैरह, सब आप समझ सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे की जो प्रोसेस है हमारी, थोड़ा सा सफर, थोड़ा सा रास्ता। चलिए भाई, देखा ग्लेंजा, नई ग्लेंजा कोई व्यक्ति लेके जा रहा है। आज धनतेरस का जो पावन दिन है ना, शुभ अवसर, मतलब भाई जो लोग मानते हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है। आज मेरे को अभी तक इतनी गाड़ियां दिख चुकी है। अभी थोड़े टाइम पहले एक बंदा था, वो थार लेके जा रहा था नई। अब नई थार देख के आपके अंदर जो फीलिंग आएगी ना, मतलब तो एक नेक्स्ट लेवल है, मतलब हर कुछ ही है। तो आज मुझे ऐसी दो तीन गाड़ियां दिख चुकी है, अभी आपके सामने ग्लेंजा निकली है, और अभी एक मैंने थार देखी थी थोड़े टाइम पहले, वो मेरा कैमरा उस टाइम चालू नहीं था, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाता। तो आज जो है ना, मतलब लोग ऐसे ही बस परचेसिंग कर रहे हैं अपनी धनतेरस के दिन, अपने घर में धन भरने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, और वो अच्छा भी है, जरूरी है। अगर आप एक रीति रिवाज है आपका प्रॉपर, तो आप उसको मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो हमारा डेस्टिनेशन है वो खत्म हुआ और हम लोग जो है ना आईनेक्स्ट के शोरूम पे पहुंच गए हैं, जो कि बिठन मार्केट पर है। और ये देखिए, हम लोग जो है ना पहुंच चुके, और यहाँ पे काफी रश और काफी मतलब गाड़ियां दिख रही हैं मुझे लगी हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पार्किंग का इशू आने वाला है। तो ये रहा आईनेक्स्ट का शोरूम, तो देखते हैं गाइस क्या होता है, गाड़ी कहाँ लग पाती है हमारी। ये रहा, ये देखिए, तो गाइज अपन ले चुके हैं मैकबुक प्रो, और जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स सब दिखाई दिए अनबॉक्सिंग वगैरह के और शोरूम के, वहाँ पे जो हम गए थे आईनेक्स्ट पे। तो अब वापस बैक टू होम हम हैं, और अभी हम हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के फ्रंट साइड में। आप लोग कहते होंगे यार ये आता बैक से, जाता फ्रंट से, ऐसा क्यों? तो भाई ऐसा इसलिए कि दोनों तरफ से सहूलियत पड़ जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रानी कमलापति कितना बड़ा स्टेशन बन गया है, ये बहुत बड़ा, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, 1 की बिल्डिंग सामने आपके, मतलब मुंबई में और भोपाल में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है दोस्त। चलिए थोड़ा सा सफ़र का मज़ा लेते हैं और फिर पहुँचते हैं अपने घर। एक झोला ही दिया इसने, आई नेक्स्ट वाले ने सिर्फ एक झोला ही दिया है। मतलब देखो क्या है ना कि कस्टमर यार 1.5 लाख रुपए लगा रहा है, कोई भी एक लैपटॉप लेना है, आईफोन लेना है, कुछ भी लेना है भाई, कम से कम चार्जर तो साथ में दो यार। उन्होंने पता है कुछ नहीं है, ये एक पेपर बैग वाला ये बैग दिया है, देख लीजिए आप खुद ही। ये अब ये पेपर बैग दिया है इन्होंने, और सिर्फ एक लैपटॉप है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, पन्ना पन्नी है भाई, उसका कस्टमर क्या करेगा? मतलब उसको भी यार थोड़ी सी तो वो चाहिए ना यार, थोड़ी सी इज्जत मिले भाई।
है, चाय कॉफी नहीं पूछ रहा यार, पानी भी बोलना पड़ रहा भैया पानी तो पिला दो। मतलब क्या है यार, तुम 1.5 लाख की चीज बेच रहे हो और उसमें भी यार इतना वो कर रहे हो कंजूसी, मतलब 10-20 रुपए की कंजूसी, हद होती है कंजूसी की मेरे हिसाब से। बाकी तो भाई दूसरी किसी भी कंपनी में चले जाओ, अपन कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत ही आपका इतना अच्छा होता है कि क्या बताएं। मतलब स्वागत देख के भी जो है ना कस्टमर खुश होता है, अच्छा लगता है, थोड़ी फीलिंग आती है कि हाँ भाई हमने कुछ लिया है। और एप्पल तो फिर जानी मानी कंपनी है यार, एप्पल को तो फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना ही चाहिए अपने कस्टमर्स के ऊपर। तो ये मेरी छोटी सी एक डिमांड है, अगर भाई कोई सुन लेता है मान लेता है, किसी के पास गलती से किसी के कान में पड़ जाए ये बात और भाई वो इस पे मतलब रिएक्ट करें तो भाई बहुत अच्छी बात है, एंड थैंक यू सो मच। चलो भाई एमपी नगर का ट्रैफिक देखते हैं आगे कितना ट्रैफिक मिलता है अपने को आगे, बाकी तो मैं आपको अप टू डेट कर ही रहा हूँ बराबर। तो फ्रेंड्स मेरे आज दोनों काम हो चुके हैं और आईपैड भी हम ले आए थे कल और लैपटॉप हम आज ले आए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसी ब्लॉगिंग वगैरह ट्रेवलिंग ब्लॉग्स वगैरह बनाता रहूँगा, बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।